हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, यानी कि एक लेंस का जो पावर है उसके लिए आपको वन डायोप्टर की डेफिनेशन देना है, उसकी परिभाषा बताना है। ओके तो बेसिकली स्टूडेंट्स, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, राइट। यही फॉर्मूला था, पी जो है वो पावर ऑफ लेंस है, वन अपॉन, और ये जो स्मॉल एफ है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, वो भी मीटर में होना चाहिए, तभी हम किसी भी लेंस का पावर डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया थे कि जो एसआई यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की वो होती है डायोप्टर। अब यहां पे जो चीज समझना है आपको कि आपको डेफिनेशन किसकी देना है, आपको डेफिनेशन देना है वन डायोप्टर की। ओके तो इस पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायोप्टर, अब यहां पे हमको चाहिए वन, राइट, और एसआई यूनिट होती है पावर की डायोप्टर, तो हो जाएगा वन डायोप्टर इज इक्वल टू, ये वन तो वन ही रहेगा, अपॉन में जो फोकल लेंथ है, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, वन मीटर, क्योंकि मीटर में होना चाहिए। अच्छा, ये हमने वन 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 क्यों लिखे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जब कभी हमको किसी भी एसआई यूनिट की डेफिनेशन मानी होती है तो ऑलवेज रिमेंबर हर चीज में हमको वन वन प्लेस करना होता है, सो दैट उसकी डेफिनेशन मिल सके, क्योंकि हमको यहाँ पे वन डायोप्टर की डेफिनेशन बनाना है, तो इसलिए हमने फोकल लेंथ जो कि मीटर में है उसको भी वन मीटर ले लिए। तो अब इस फॉर्मूले से हम वन डायोप्टर की डेफिनेशन इजिली बना सकते हैं। तो देखिए, वही लिखा हुआ है कि जो पावर ऑफ लेंस है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, जो कि डिनोट की जाती है, दिखाई जाती है, लिखी जाती है कैपिटल डी सिंबल से, लेटर से। अब यहां पे डेफिनेशन कैसे बनेगी कि आपको अगर वन डायोप्टर को डिफाइन करना है पावर ऑफ लेंस के लिए, ओके पावर ऑफ लेंस के लिए अगर वन डायोप्टर को आपको डिफाइन करना है तो उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, वन मीटर होनी चाहिए, तब जाकर के वो वन डायोप्टर होगा पावर ऑफ लेंस का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।